So I was born in Bangalore, raised in traffic. So my entire life has been pretty much a standstill. My mother tongue is pam. You know, pam pam. Guys, I think traffic has really helped me. You know, I think traffic has really controlled my anger. Like, wo traffic mein matlab aap, you can get tested in all sorts of ways, right? So one day I was on the road, I was on the right side of the road, aur mujhe jana tha left side as usual. Aur ek aur gaadi thi left side mein jisko jana tha right side as usual. Aur hum log beech mein mile. Badi pyar se. अच्छा क्या होता है जब आप जैसे एक्सीडेंट होता है ना रोड पे आपके लिए ऑडियंस खड़ी हो जाती है राइट ऑडियंस ऐसे ऐसे खड़ी हो जाती है क्या जी होगा इधर क्या तो भी होने वाला है खुंदाल खुंदाल को क्या भी ये लड़ेंगे क्या करेंगे मरेंगे क्या करेंगे जी तुम्हें बोलो ना आओ जी फोटो लेके बाद खड़े हो जाते हैं एंड आई एम अ परफॉर्मर मेरे को ऑडियंस मिल जाए मेरे को परफॉर्म करना है लाइक मेरे को लड़ने का कोई शौक नहीं है But I can't disappoint these guys. But यहाँ हो गया act, so I have to fulfill it. तो मैं थोड़ा research कर रहा था कि अगर मेरे को traffic में झगड़ा करना पड़ेगा तो मैं कैसे झगड़ा करूँगा. So I was doing some research. I found out that there's a whole different language in traffic. Like, have you heard in Bangalore and South the most common kind of anger that I've seen is called animal kind of anger. Have you seen this? Animal kind of anger. It goes like this. Hey, here ah. अच्छा इसको यू कांट रिस्पॉन्ड टू हाँ जी बताइए क्या अपन इसका रिस्पॉन्स होगा मीटिंग कॉल्स पूरा लैंग्वेज चल रहा है वो ऑडियंस भी खुश हो रही है क्या 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 उसमें अच्छा द अदर थिंग आई हैव नोटिस्ड इज मैरिड पीपल नेवर गेट एंग्री इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कभी नोटिस किया शादीशुदा आदमी ऐसे गाड़ी से निकलेगा डोर भी क्लोज करेगा इंश्योरेंस पेपर है पुलिस को बुलाओ मेरे को और प्रॉब्लम नहीं चाहिए मैं घर में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे को इधर एक और प्रॉब्लम नहीं चाहिए मैं बोल रहा हूँ पहले से ही इन्होंने अपना एंगर पालतू कुत्ते की तरह एकदम मतलब पालतू एंगर है इनका मतलब एकदम वेल टेम्ड दे हैव टेम्ड देयर एंगर Like, you know, before marriage, your anger is like, wah, 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 at everything. Shaadi ke baad, wah, wah, no. Wah, stay. No. Wah, no, stay, sit, sit, sleep. Wah, 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 no. Maru, maru. That is the husband stage. उस स्टेज में मतलब सारे हस्बैंड ये दारू के बाद ही दारू के बाद ही होगा उसके बाद बैक टू शादी हो गई अब आवाज किसने की पीछे से पीछे बट द यंगस्टर्स ना लाइक नीलेश इन लोगों का गुस्सा अनटेम्ड है लाइक एकदम उनको गुस्सा आ जाता है ना तो वो पूरा बॉडी ऐसा 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 गुस्से में मतलब देखो देखो क्रेजी आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू द यंगस्टर्स व्हेन दे गेट एंग्री वो एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं तू देख के नहीं आ सकता क्या भाई तू देख के नहीं आ सकता क्या भाई देख के नहीं आ सकता क्या घूर रहा है भाई क्या घूर रहा है क्या घूर रहा है भाई नीचे देख के बात कर नीचे देख के बात कर तू क्या देख रहा है भाई तू क्या देख रहा है भाई तू क्या देख रहा है भाई आके धू क्या आके धू क्या आके धू क्या आके धू क्या इतनी बार क्यों बोल रहा है भाई इतनी बार क्यों बोल रहा है भाई क्यों बोल रहा है इतनी बार में एक ही चीज को रिपीट कर रहा है पहली बार में समझ में आ गया हस्बैंड्स कभी रिपीट नहीं करेंगे एक ही बार बोलेंगे तो उसके बाद खुद कर लेंगे ये ऐसा नहीं होता ये यंगस्टर्स का अभी तक टेम्ड नहीं है एंगर आपको पता चल जाएगा कि वो थोड़ा आउट ऑफ फिर कुछ लोग होते हैं ट्रैफिक में डायग्नोसिस छोड़ते हैं हैव यू हर्ड दिस गाइस अबे अंधा है क्या दिखता नहीं है क्या अंधा है नंबर लगवा चश्मे का अंधा है प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहा है बहरा है क्या बहरा है सुनाई नहीं देता मशीन लगा बहरा है पागल है क्या एड़े पागल है क्या भाई डॉक्टर मैं हूं मेरा काम है डायग्नोसिस बोलना जो कुछ लोग होते हैं लॉयर टाइप के एंगर ऐसे होते हैं जो मतलब एक के ऊपर मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन बोलते हैं उनका चेहरा भी लॉयर जैसा होता है सबसे पहले तो भैया तुम वन वे से आ रहे हो ऊपर से सीट बेल्ट भी नहीं डाली ऊपर जब फोन पे पति आ रहे हो तो आपका बनता है सेक्शन 136 अभी ठोक देंगे तुमको अंदर जेल में अभी लॉयर टाइप ऑफ एंगर दिल्ली से कोई दिल्ली दिल्ली अकेला अरे आप अकेले ही बहुत हो सर अगर आप ब्रेक के पहले बोलते तो आसपास अब खाली हो जाता
दिल्ली के लोग उनको ट्रैफिक में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो जाती है, इन लोगों को सडन एमिनेशिया हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, इनको आसपास का कुछ पता ठिकाना नहीं हो जाता, लाइक वो एंगर और ट्रैफिक में उनकी मेमोरी वाइप हो जाती है और वो बोलते हैं तू जानता है मैं कौन हूँ, तू जानता है मेरा बाप कौन है, तू कौन होता है जानता है मेरा बाप कौन है, मैं कौन हूँ जो जानता हूँ तेरा बाप कौन है, तू कौन है बे जो देख रहा है बे, क्या देख रहा है बे, तू क्या देख रहा है बे। हरियाणा से कोई हरियाणा सर हैं नहीं, और ये लोग मस्त होते हैं, ये लोग चैलेंज करते हैं, ये बोलेंगे हाथ लगा के दिखा। अच्छा उनका पहले तो एक हाथ आगे होता है एक हाथ पीछे होता है, और पीछे उनके यार दोस्त होते हैं, कभी अकेले नहीं करेंगे, और मैंने हाथ लगा के दिखा छोड़ना नहीं बे, हाथ लगा के तो दिखा छोड़ना नहीं, और तेरे देख लेंगे तेरे, यू नो ऐसा एंगर होता है। तो मेरा वो ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं सोच रहा था ये परफॉर्मर्स वेट कर रहे हैं क्या जी, तो मर्दा है औरत है लड़ेगा क्या करेगा भाई, क्या भी करो मेरे को वेट लेट हो रहा है मेरे को जा। सो आई एम लाइक ओके मेरे को कुछ करने का है, ठीक है। वो गाड़ी साइड में पार्क हुई, मैं उसके पीछे पार्क हुआ, बट कोई बाहर आया नहीं, तो मुझे लगा कोई लखनऊ से पहले आप खेल रहे तो मैं सोचा चलो मैं ही चला जाता हूँ, तो मैं बड़ा गया अदब से और फिर मैंने दरवाजे की तरफ देखा, मैं शॉक हो गया, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन, मैंने कभी लड़ाई नहीं की ट्रैफिक में, इट वॉज अ लेडी ड्राइवर। अच्छा गाइस 2018 में हार्श रियलिटी, इफ यू मेक फन ऑफ अ लेडी ड्राइवर ड्राइविंग यू विल बी कॉल्ड अ सेक्सिस्ट, इफ यू स्कोल्ड हर यू विल बी कॉल्ड अ मिसोजिनिस्ट, इफ यू टेक स्कोल्डिंग्स फ्रॉम हर यू विल बी कॉल्ड अ मैसोकिस्ट, इफ यू कॉल द मेल ट्रैफिक कॉप यू आर प्रमोटिंग द पेट्रियार्कल सोसाइटी, इफ यू गो अवे इट इज हिट एंड रन केस, इफ यू डोंट डू एनीथिंग यू आर अ सेपियोसेक्सुअल, because I don't know what that is but you become something, some stereotype label aapka lag jayega, like kuch bhi kar lo aap, and usme like you know nowadays how media is like that, you can't take that risk, you know, sexist doctors scolds women driver, mere jo do patient hai wo bhi chale jayenge, bola aise kar nahi sakte, main like yaar this checkmate yaar, I have no way to go out of this situation, main to phas gaya, suddenly main usne mere sath eye contact mila, she looked at me like this, then she rolled down her window, then she combed her hair, then she applied some lipstick and she looks out of the window and she says bhaiya shule circle kidhar aata hai, mera gaadi ka app kaam nahi kar raha, shule circle kidhar aata hai, isko pata nahi ki gaadi lagi hai, tu aage ja, roundabout pe u turn leti rahe, मैं निकला गड्डी लेके, अरे बाप रे, उस दिन जो बचा हूं ना मैं, उस दिन जो बचा हूं उसके बाद अभी तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई, मैं कैब ड्राइवर पे ही छोड़ देता हूं, मैं पीछे बैठता हूं, यार बड़ा डेंजरस है यार ये सिचुएशन, सर आपको लग रहा है ना, सर तो ऐसे लग रहा है सर मैं कैसे बच गया इतने साल, बहुत मुश्किल है आजकल ये। अच्छा फिर मेरी गाड़ी चली नहीं, ठीक है, वो जो गाड़ी चली नहीं बम्पर हिट हो गया था, तो क्या है मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक में ना किसी को हजार्ड लाइट का मतलब समझ में नहीं था, पता है हजार्ड लाइट क्या है, वो जो पीछे फ्लिकर होती है, तो मैंने हजार्ड लाइट डाल के मैं बैठा हूँ, मैं हजार्ड में हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, बाहर से लोग आते हैं, अबे तेरे बाप की गाड़ी है क्या, बाप का रोड है ये, क्या कर रहा है ये, सर गाड़ी नहीं चल रही, अबे गाड़ी नहीं चल रही मत चला, सर चल नहीं रही लाइट डाली, क्या लाइट डाल रही तो गाड़ी भी चलेगी, चला सर हजार्ड में, क्या हजार्ड में चला, निकल सामने से, उन्होंने क्या बोल रहे हैं सर, मैं हजार लेट आ ली, क्या हजार, क्या आजादी, क्या आजादी है ये, सो मेरे को लोग मारने के लिए आ गए, मैं दिल्ली वाला बन गया, ये किसकी गाड़ी है, मैं कौन हूं, तुम जानते हो मेरा घर कहाँ है, मेरे को छोड़ दो, मतलब मैं बचने के लिए कर रहा था, एंड पीपल आर कमिंग टू बीट मी अप एंड आई गेट वेरी स्कैर्ड, और सडनली मैं साइड में खड़ा हुआ, मुझे लगा यार क्या करूं क्या करूं, फिर मैं ऐसे करके ऊपर देख रहा था, तो मेरे को आइडिया आया, मेरे को देखा पेड़, एंड आई ब्रोक अ ब्रांच ऑफ द ट्री and I shoved it in the car. Everybody understood that the car is so broken down ki isme se pauda nikal aaya, matlab it must be broken.